अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। हमने कई सफल कदम बढ़ाए हैं, कई कदम हमें और बढ़ाने हैं। ना थमेगा झारखंड, ना रुकेगा झारखंड, विकसित राज्य के रूप में चमकेगा झारखंड। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है वो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं, फिर हम चले साथ साथ। ये आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के गुजारिश करती हूँ। सभी इस जश्न में, समारोह में, इस आयोजन में और उपलब्धियों के दो वर्ष के इस कार्यक्रम में अपनी तालियों के साथ शामिल हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये रोशनी कभी रुकेगी नहीं, ये रोशनी कभी बुझेगी नहीं। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहे। इस कार्यक्रम में परम आदरणीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, हमारे जोबा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, दिसम गुरु माननीय शिव सोरेन जी, गुरु जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड के प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी, सत्यानंद भोक्ता जी, बंधु तिर्की जी, राजेश ठाकुर जी, राजेश कच्छप जी, और हमारे बीच में उपस्थित मैडम कल्पना जी, सीएस साहब, डीजीपी साहब, विभाग के सम्मानित सेक्रेटरी, पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की जो कार्यक्रम माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार की दो साल पूरा करने जा रहा है और उसी सिलसिले में आज के कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आज मैं इस मंच से तमाम झारखंड वासियों को, आम जनों को, कि झारखंड की नई सरकार, जो गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में जो बनी थी, हमने ये दो साल कैसे आपके साथ रहकर, आपके बीच में रहकर इस क्षेत्र के विकसित करने के लिए, हर समस्या का निदान करने के लिए हम लोग ने जो काम किया उसका थोड़ा बहुत आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी, और मुझे याद है कि हमारे यहाँ पंचम विधानसभा का पहला बजट सत्र हम शुरुआत किए थे, ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के लोगों को, झारखंड के लोगों को, विकास के साथ साथ जो भी यहाँ की समस्या है उसका हम निष्पादन करें। लेकिन पूरे विश्व में जो सभी महामारी कोविड-19 जो आया है, वो झारखंड भी अछूता नहीं रहा, और उस समय हमारी सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ जीवन और जीविका दोनों को देने की काम 100% करने की काम किया है। ये बात को हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और ये झारखंड के लिए गौरव का विषय भी है। एक तरफ हमारे यहाँ लाखों लाखों लोग
जो यहां से बाहर में रोजगार के लिए जाते थे, गए थे, महिला पुरुष, हायर एजुकेशन के लिए लोग जो बाहर पढ़ने के लिए गए थे, सारे लोगों को इस राज्य में लौटा कर लाना था और उसके रोजगार जीविका देना भी था और लोगों को सुरक्षित लाना भी था। चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे लेक रेल मार्ग हो, सभी से यहाँ के लोगों को लाकर अपने गांव तक छोड़ने की ये सरकार ने काम किया है। ये सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस मैसेज को देने की काम हिंदुस्तान सरकार ने किया है, ये सब कुछ जानते हैं। दूसरी तरफ हमने कहा कि जीवन और जीविका दोनों को कैसे करके हम संभाल कर इस क्षेत्र के लोगों को, इस झारखंड के लोगों को आगे ले जाए, उसके काम हम लोग 100% हम लोग ने किया है। जब गांव के शहर से गांव की ओर जब लोग आने लगे, हमारी सरकार ने नई नई योजनाओं को स्वीकृत करके लोगों को सहूलियत देने की काम किया है। हम कहना चाहेंगे कि एक तरफ हमें लोगों को नियोजन देना था, श्रम देना था, रोजगार देना था। हम जिस विभाग से आते हैं, ग्रामीण विकास, ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना, उसके जीवन स्तर को ऊंचा बनाना और लोगों को रोजगार देना, ये मेरा प्रायोरिटी और प्राथमिकता था। और उस समय हम लोगों ने एक नहीं अनेक योजना हमने लिया है। आप सब कोई जानते हैं, झारखंड बनने के बाद जो भारत सरकार हमें मनरेगा का जो पैसा देते हैं, उस 8 लाख दिवस मानव दिवस देते थे, कभी भी 6 से 7 लाख जो है मैंडेट आज तक झारखंड में नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार 2020-21 में जब चारों तरफ महामारी छाया हुआ था, लोग को जो है इलाज के लिए भेजा जाता था, सारे कामों को करते हुए हम लोगों ने उस लक्ष्य को पार किया और हम लोगों ने 1150 करीब करीब 1200 लाख रोजगार दिवस देने की काम किया है। हम लोगों ने काम किया है, सरकार, हमारी सरकार हेमंत जी से बातचीत करके हम लोग लगातार प्रयास किए कि यहाँ के जो है रोजगार जो कम मिलता है मनरेगा से, इसका पैसा बढ़ाया जाए। हम लोग ने लगातार प्रयास करने के बाद 172 से 194 रुपया हुआ था, 194 हुआ था। फिर हमारी सरकार 27 रुपया ज्यादा देकर आज अपने ही राज्य से 225 रुपया हर एक जो है मनरेगा के मजदूर जो है उसे दिया जाता है। एक नहीं अनेक योजनाओं को हम ग्रामीण विकास से अगर हम गिनाएं तो 2-4 गिना भी देते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है। हम लोगों ने एक बिरसा हरित ग्राम योजना चलाए थे। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसके पहले भी गांव में प्लांटेशन होता था और हम लोग देखते थे 3 और 4 महीने के बाद कहां पौधा लगा उसका नामो निशान नहीं रहता था। लेकिन इस बार जो हम लोग ने काम किया है कि सरकारी हो या बेसरकारी जमीन, सारे जमीनों में जो स्वेच्छा में चाहते हैं हम फलदार पेड़ लगाएंगे, वो फलदार पेड़ उनका होगा और 3 साल तक उसका संरक्षण जो है मनरेगा के तहत किया जाएगा और उसका घेरने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। काफी पॉपुलर ये योजना हुई और बीते साल मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल का भी जो नए नए तरीका का प्लांट आया था उसमें फल भी पकड़ने लगा है और 3 साल पर वो पौधा आने वाले समय में वो पेड़ बनकर फल देगा, खुद खाएंगे, परिवार को खिलाएंगे और जो बचेगा वो बाजार में बेचकर वो जो है परिसंपत्ति वो उसका फायदा मिलेगा। तो हमारा मकसद एक तरफ रोजगार देना, दूसरी तरफ उसका परिसंपत्ति तैयार हो ताकि आज भी आने वाले समय में उसका नस्ल को फायदा मिले, उसके लिए भी हमारे यहाँ एक सारी नहीं अनेक योजना हम लोग ने किया। फूलो जानो आशीर्वाद योजना, ये योजना को हम लोग चलाने की काम किया। हम लोग ने सर्वचन पहली बार जो किए थे, 16,000 ऐसे महिलाएं जो सड़क पर हड़िया दारू बनाती है और बेचती है, उसको कैसे करके मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उसके लिए भी हम लोग ने काम किया है। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, किसी भी रिकॉर्ड में देख लीजिए, 14,500 महिला को वो जो दारू हड़िया बेचती थी उसको लाकर रोजगार देने की काम
ग्रामीण विकास ने किया, इस तरह एक नहीं अनेक योजना हमारे यहाँ चालू करने की काम किए हैं। और दो चीज मैं अपने विभाग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमारी सरकार दो सालों में दो ऐसी योजना को लॉन्च किया है जो इतिहास बनकर झारखंड में रहेगा, ये बात को हमें 100% विश्वास है। वो योजना क्या है? पहला योजना है यूनिवर्सल पेंशन योजना। हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सीएम हो, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में हम लोग जाते हैं। वह 70 साल 80 साल की बूढ़ी माँ जो हमारे पास दरखास्त करती है, अब तो हमारी अंतिम समय है, 70 साल 75 साल हम गुजर गए हैं लेकिन हमें अभी तक वृद्धा पेंशन जो है नहीं मिला है। बंधन था, एपीएल बीपीएल का बंधन, आय का प्रमाण पत्र, एक बंधन हमारी सरकार में फेस किया। दूसरा हम देखे कि 40 साल महिला जो विधवा हो जाती है, विडो हो जाती है, तब उसको मिलेगा। क्या विडो होने की कोई सीमा है? 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का भी औरत विडो हो सकता है, विधवा हो सकता है, उसको क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ 40 साल के ऊपर होगा उसी को मिलेगा। इस बात को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हटाने की काम किया है, मैं उनको तमाम इस चीजों के लिए हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और विधा ये काम हम लोग ने किया है, इनके चर्चा हमारे जो है आने वाले स्पीकर जो होंगे वो बताएंगे, एक हम लोग ने काम किया। दूसरा काम हम लोग ने किया है वो सब कोई जानता है कि हम लोग 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो कार्यक्रम चलाए थे वो एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम के रूप में साबित हुआ है। दो चार मिसाल देकर मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करना चाहते हैं कि ये योजना आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार, ये योजना कल्याणकारी योजना वर्षों से चला रही है, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, लेकिन वैसे लोगों को फायदा मिला या नहीं मिला इस बात को देखने की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने करने की काम किया है, ये बात सर्वोदित है कि नहीं, आप लोग बताइए। हम लोगों ने इस अभियान को चलाकर गांव गांव में जाकर लोगों की जो भी समस्या रहा, चाहे पीडीएस के दुकान का मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे आधार कार्ड हो, सारी समस्या को निदान उसी समय हम लोग ने करने की काम किया है और इसे झारखंड के लोगों को बहुत हद तक फायदा मिला। और मुझे डर लगता है कि हर साल इस तरह का ड्राइव चले ताकि जो लोग ब्लॉक नहीं आ पाते हैं, जो लोग एक दो बार ब्लॉक आकर दम अपने हर मान्यताएं अपने घर में बैठ जाते हैं, वैसे लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा, इस बात को विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। दोस्तों मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक बात बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। मंगल सोमवार के दिन हम अपने क्षेत्र में थे, हमारे एक पंचायत में यही अभियान जो है बता रहे थे, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी दौर कार्यक्रम चल रहा था। मैं वहाँ करीब करीब 12:30-1 बजे पहुंचे, सारा कैंप लगी हुई थी, लगा हुआ था, सारे विभाग के लोग बैठे हुए थे। और जब ने हमने उसका रिपोर्ट कार्ड मांगे कि 28 तारीख को मेरा अंतिम दिन है, तो हमारे ब्लॉक में क्या क्या हुआ, जिला में क्या क्या हुआ, उस बात को हमको पूरा डिटेल्स दिया जाए। पहले ही हम इसका पता लगा ही लिए थे लेकिन हम चाहते थे कि हमारे उपायुक्त महोदय खुद बताए, रिपोर्ट हम दे। हमने देखा कि पाकुड़ जिला में 91,000 एप्लीकेशन आया था, लगभग 75,436 यानी 87% लोगों का उसी जो कार्यक्रम चल रहा था, अभियान चल रहा था, उस अभियान में निष्पादन हुआ। और बाकी कितना रहा? 87% बचा हुआ है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में वो जो भी आवेदन आया था जिसको जल्द नहीं हो पाया वो भी हो जाएगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ और
अग्रिम भी बधाई भी आप लोग को देना चाहता हूं कि बहुत जल्द नया साल का आगमन हो रहा है, इसीलिए यहां आए हुए तमाम लोगों को मैं नया साल का हार्दिक धन्यवाद मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। ईश्वर से कामना भी करता हूं आने वाली साल जो हम लोग का खुशहाली ला दे और सुख और समृद्धि से भरा हुआ ये राज बने और विकास और प्रगति शांति सौहार्द के भावना से हम अपना काम करें। जय हिंद, जय झारखंड।